सब जिला हंदवाड़ा रामहाल हल्का इंतखाबी सदर शेख आशिक हुसैन ने आज रामहाल हल्के के अवाम का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि लोगों ने एक बार फिर अवामी कॉन्फ्रेंस पर एतमाद किया और उन्हें जीत दिलाई। उन्होंने कहा कि लोगों ने पार्टी को वोट दिया, लोगों ने सजाद गनी लोन को वोट दिया और हम उनकी खैरियत के लिए काम करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस सुपुर्द सजाद गनी लोन ने बहुत ही कम वक्त में मेडिकल कॉलेज हिंदवाड़ा, बैंक्स रोड, डिग्री कॉलेज वेलगाम, बायोटेक्नोलॉजी पार्क और दिगर मंसूबे जो ज़ेर तामीर हैं, बहुत अच्छे काम किए। ये तभी मुमकिन था जब लोगों ने उन्हें वोट दिया और हमायत दी, और आइंदा भी हम उम्मीद कर अपना ताउन करेंगे। आइए देखते हैं हिंदवाड़ा से हमारे नुमाइंदे आशिक हुसैन की एक खास रिपोर्ट। बारिश हुई, हम पहले से प्रिडिक्ट किया गया था कि बर्फ़ आने वाला, तो हम पहले ही डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और ADDC हंदवाड़ा से मिले, जितने भी यहाँ पर मतलब इसके साथ वाबस्ता हैं, RNB, PMGSY और ये मैकेनिकल डिपार्टमेंट, उनके साथ बाज़ाबता हमारा रबता था और उन्होंने हमें यकीन दिलाया कि हम दिन रात काम करके इंशाल्लाह लोगों को सहूलियत पहुँचाएंगे, और ऐसा ही हुआ। हमारी जो टीम थी यहाँ पर वो सब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जुड़े हुए थे, दिन रात काम कर रहे थे और बाज़ाबता हमें तकरीबन मेरे ख्याल में कम से कम इस एक हफ्ते में 3000 से ज़्यादा फ़ोन कॉल्स हुई। हमने बाज़ाबता नंबर दिए थे और लोगों ने फ़ोन किए, हमने आगे एडमिनिस्ट्रेशन के साथ रबता कायम किया और अल्हम्दुलिल्लाह हर एक डिपार्टमेंट कोऑपरेटिव था और उन्होंने कोऑपरेट किया, उन्होंने मेहनत की, चाहे वो RNB था, चाहे वो PMGSY था, चाहे वो बिजली डिपार्टमेंट के जो मुलाजिम थे उन्होंने भी बहुत कोऑपरेट किया, PHE था, जो कुछ भी था। अल्हम्दुलिल्लाह आपने लोगों से सुना भी होगा, आज पहली बार इतना फास्ट हुआ और हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के भी शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने भी बहुत मेहनत की। DC साहब के साथ भी हम रबता में थे और जो हमारे SP साहब हैं उनका जो कंट्रोल रूम था उसके साथ भी हम रबते में थे, तो और लोग बहुत मतलब खुश रहे और लोग बहुत सेटिस्फाई हुए कि वक्त पर बर्फ भी उठा और वक्त पर पावर भी रेस्टोर हो गया और वक्त पर पानी इस वक्त यहाँ पर रामहाल में। वो ये है हमारी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी रामहाल जो है, जिसमें मेरी बेटी DDC बनी। तो सबसे बर्निंग इशू जो है वो ये है, ये रिसीविंग स्टेशन, ये पिछले 6-7 सालों से बना हुआ मतलब अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो ये बहुत सारे थे उस वक्त हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी हंदवाड़ा में, दो थे ये, एक जंजमुला और ये। तो इसके लिए सजाद साहब ने फंडिंग भी करवाई 3.5 करोड़ इस रिसीविंग स्टेशन के लिए, 3.5 करोड़ जंजमुला रिसीविंग स्टेशन के लिए। जो भी इससे पहले या इसके बाद में शुरू हुए वो सब चालू हो गए। मुझे समझ नहीं आता है कि गवर्नमेंट क्यों इसमें लयतुल्लाल कर रही है। मैं तो अब पिछले एक 20-25 दिन से बाज़ाबता चीफ इंजीनियर साहब जो हमारे हैं उनके साथ रबते में हूँ। उन्होंने मुझे वर्ड दिया था कि हम जी ये 3rd week of January में यहाँ पर ट्रांसफार्मर भेज देंगे जो 6.3 MVA है। तो आज सवेरे भी मैंने उनको फ़ोन किया, आज उन्होंने कहा फरवरी में ज़रूर भेज देंगे। तो हमारी जो है यहाँ के लोगों की हमारे ज़रिए और हमारी ये जो LG गवर्नमेंट है उनसे रिक्वेस्ट है, उनसे गुजारिश है, खासकर चीफ साहब से कि वो फटाफट इसके लिए ये ट्रांसफार्मर भेज दें ताकि ये चालू हो जाए और लोगों को मतलब सहूलियत पहुँचे यहाँ पर।